The grand finale of India's Got Talent on Colours took place with loads of anticipation and excitement. What's more, Bollywood stars like Rani Mukherjee and Shahid Kapoor made special appearances as special guests on the show to promote their film Haddipa. I clarify करना चाहूँगा कि हमारी फिल्म में और बहुत कुछ भी है, जैसे आप टाइटल जो है फिल्म का उधर बोले हरिप्पा है, so there's a lot of Punjab, there's a lot of Rani, and then there is also Veer, जो कि रानी ही निभा रही हैं और कई साइड में थोड़ा सा मैं भी जो आता है। It's a different role for me. पहली बार मैंने ऐसा किरदार निभाया है, but I think it was different to play another gender. So it was exciting for me, and I had a lot of fun to feel like a man. I think Shahid can emphasize on that. They were accompanied by the three very talented guests on the show, Kiran Kher, Shekhar Kapoor and Sonali Bendre. After months of outstanding performances by many talented people, the show is finally down to 11 finalists. Judges tough नहीं होंगे तो judge कैसे खिलाएंगे? किसी को तो उनको किसी का तो दिल तोड़ना पड़ेगा और शायद अपना दिल तोड़कर किसी और का दिल तोड़ना पड़ेगा। तो choose तो करना है तो judge हैं तो थोड़ा सा hard पड़ेगा। दोबारा शो हो और अगर पूरा हिंदुस्तान और छाना जाए तो मैं जरूर करूँगा। इतना टैलेंट आया है, इतना गर्व है मुझे कि मैं इस शो में जज हूँ। ये ऐसा शो है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेगा मेरे को, क्योंकि कहीं पे शेखर और किरण बहुत इमोशनल भी हो जाते थे और उस समय मैं ही एक थी जो बिल्कुल मुझे इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता था कि उनके मुकाबले में मैं बड़ी अनइमोशनल होके जजिंग कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि नहीं ये खामियाँ थी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे तो लगता है मैं इस शो पे बहुत स्ट्रिक्ट रही हूँ।